हेलो एवरीवन, दिस इज सविता कश्यप एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल, जिस पे आज के इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, क्लास 11 का हिस्ट्री का सिलेबस ऑफ द ईयर 2023-24। तो क्या आ रहा है हमारे सिलेबस में ऑल थ्रू आउट द ईयर, यही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में मूव करती हूँ आगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग बुक पेंसिल वगैरह के साथ बैठ जाओ, ठीक है, ताकि मैं सिलेबस समझा लूँ, तुम लोग साथ ही मार्क करते जाओ कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो, मैंने एकदम ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है सिलेबस, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, नथिंग इज़ लाइक तुम लोगों को वरी करना पड़ेगा कि ये गलत वगैरह, कुछ नहीं है, मैंने एकदम डायरेक्टली CBSE से ही निकाला हुआ है ये वेबसाइट से, ठीक है। तो तुम लोग देख लो, अर्ली सोसाइटीज़ तुम्हारे बुक में दिया होगा, वहाँ पे तुम लोगों का थीम 1 राइटिंग एंड सिटी लाइफ है, वो चैप्टर तुम लोगों का आ रहा है 10 मार्क्स का, मार्क करते जाओ। एम्पायर्स सेकेंड पार्ट एम्पायर्स पे बटा हुआ है, और दो चैप्टर है वहाँ पे जो आ रहे हैं, दैट इज एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स 10 मार्क्स का, नोमैडिक एम्पायर्स 10 मार्क्स का। अभी तो मैं सबसे पहला वीडियो राइटिंग एंड सिटी लाइफ का डालने वाली हूँ, एंड आई थिंक अब तक मैंने डाल भी दिया होगा, तुम लोग जाके देख लो, ठीक है। बहुत ही न्यू वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, मैं एकदम स्टोरी फॉर्म में मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, तो बहुत ही ईजिली तुम लोगों का अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, तो जाके देख लो अभी से। नेक्स्ट है तुम लोगों का पार्ट थ्री है चेंजिंग ट्रेडिशन, जिसमें से दो चैप्टर्स आ रहे हैं, द 3 ऑर्डर्स विच इज ऑफ 10 मार्क्स एंड चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन अगर हम लोग मूव करते हैं, तो 6 and 7 थीम नंबर्स आ रहे हैं, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स ऑफ 10 मार्क्स एंड पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन वो 15 मार्क्स का रहा, तो स्पेशल फोकस 15 मार्क्स पे है। वैसे ये शायद तुम लोगों का टर्म 2 में आए, मतलब तुम्हारा डिसाइड स्कूल करता है डिसाइड ना कि कौन से चैप्टर टर्म 1 में, कौन से चैप्टर टर्म 2 में, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो 15 मार्क्स का चैप्टर है वो हमारे टर्म 2 में ही आएगा, एंड तुम लोग देख लो। लेकिन हाँ, स्पेशल फोकस इसमें है क्योंकि सारे चैप्टर्स 10 मार्क्स के, बट दिस इज़ ऑफ 15 मार्क्स, तो इसे अच्छे से समझते हुए चलना है। और मैंने अगर वीडियो बना ही रखा होगा, ऑफकोर्स बना रखा होगा, तुम लोग जस्ट जाके चेक करो, बहुत ही आराम से अच्छे से मैंने बना रखा है, एंड इट विल बी ऑफकोर्स हेल्पफुल बिकॉज मैंने स्टोरी फॉर्म में जो समझाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम लोगों का पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन और डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, ये 10 और ये 15 का आ रहा है। फिर 5 मार्क्स तुम लोगों का तो भाई मैप से आ रहा है, मैप से 5 मार्क्स, ठीक है, तो वो भी तुम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो टोटल थ्योरी तुम लोगों का 80 मार्क्स का है, एंड 20 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट्स और स्कूल से, तो अच्छे से स्कूल में भी परफॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट है तुम लोगों का प्रोजेक्ट वर्क, जो कि तुम्हें वही 20 मार्क्स का देगा, एंड टोटल ये बना के 100 मार्क्स का तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये पूरा तुम लोगों का टर्म 1 और टर्म 2 मिला के ओवरऑल सिलेबस है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्कूल इट कुड बी चेंज, ठीक है, लेकिन स्लाइटली चेंज होगा, एवरीथिंग विल नॉट बी चेंज, दिस विल बी द सिलेबस फॉर एवरी CBSE स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिलेबस डिस्कस हो गया, अब वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अच्छे से बुक में मार्क कर लेना, और मेरे वीडियोस तो पक्का देख लेना क्योंकि मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा रखा है इसे चैप्टर्स को, ठीक है। सो हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।